करगिल विजय दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा ने कहा कि करगिल युद्ध भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया और इस युद्ध को भारत के घर घर पहुँचाया गया था। करगिल युद्ध के बाद भारत सरकार द्वारा गठित करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए बनाई गई सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन हुआ। साथ ही भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का सामर्थ्य भी बढ़ा लिया है। आज अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो देश के बाहर किसी भी देश में अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। भारत सुरक्षा की दृष्टि से इतना सामर्थ्य हो गया है कि अपने साथ साथ विश्व के 84 देशों को शस्त्र आपूर्ति करता है तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत 67% स्वदेशी उपकरण का प्रयोग भारतीय सेनाओं में किया जाने लगा है। यह भारत का सामर्थ्य है कि 27 फरवरी 2020 को अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने भारत को वापस कर दिया था। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, शिक्षक विकास पाठक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर दीपक सहानी व एनसीसी कैडेट्स और विभागीय छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा ने कहा, कारगिल आज़ाद भारत के इतिहास में ख़ास तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने इस देश को और इस देश की रक्षा तैयारियों को अनुपम बनाने में या बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो हमारे लिए एक संघर्ष जरूर था लेकिन एक वेकअप अलार्म भी था जिसके चलते हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और उसके लिए जो ज़रूरी घटक हैं उस पर हमने काम किया और उसी का ये प्रभाव है कि आज 23 साल बाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत और भारतवासी एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ एक मजबूत राष्ट्र के नागरिक के तौर पर अपना सिर ऊंचा करके चल रहे हैं। तो करगिल हमेशा याद रखने वाली घटना है और इस अवसर पर हमको उन 500 से ज़्यादा अपने वीर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने एक बहुत ही अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में ये युद्ध, ये संघर्ष भारत के सम्मान के लिए लड़ा और भारत को विजय दिलाई।